लूट की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें बेशक 17 सेकंड में कैद हुई हों, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने में बदमाशों को तकरीबन 15 मिनट लगे। घड़ी की सुइयों से रेस लगाते बदमाश जिस तरह बाइक पर पहुंचे, एटीएम के सामने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी, एटीएम के अंदर दाखिल हुए और 1.5 करोड़ रुपए की अटैची उठाकर ले गए, वो वाकई हैरान करने वाला था। वक्त सुबह के 11 बजे शहर के भीड़ भरे बाजारों में से एक कमला नगर के बंगलो रोड पर मौजूद सिटी बैंक का एटीएम। इस एटीएम सेंटर में एक कैश वैन DL1LP4475 रुपए भरने के लिए पहुंचती है। साइंटिफिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज नाम की इस कंपनी की गाड़ी में कुल 4 लोग सवार हैं, रुपयों के 2 कस्टोडियन, 1 हथियार बंद गार्ड और 1 ड्राइवर। 11:05 गाड़ी आकर रुकने के बाद दोनों कस्टोडियन रुपयों से भरी अटैची लेकर एटीएम सेंटर के अंदर दाखिल होते हैं। सेंटर का गार्ड भी एटीएम उनके हवाले कर सेंटर से बाहर आकर खड़ा हो जाता है ताकि उसमें कैश की रिफिलिंग की जा सके। जबकि कैश वैन का हथियार बंद सिक्योरिटी गार्ड पहरा देने के इरादे से पहले ही गेट पर तैनात है। एक सिटी बैंक का एटीएम है बंगलोर रोड पर कमला नगर के इलाके में। सुबह 11 बजे के करीब एक कैश वैन वहाँ पे कैश की लोडिंग करने के लिए आई है। कैश का अटैची केस उठा के वो लोग एटीएम के अंदर गए और कैश वैन के साथ जो गार्ड था वो एटीएम के बाहर खड़ा था। 11:10 अभी चंद मिनट गुजरते हैं कि एक ब्लैक कलर की पल्सर बाइक पर आए हेलमेट पहने 2 नौजवान एटीएम सेंटर के ठीक सामने आकर रुक जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता सीधे गेट पर खड़े हथियार बंद गार्ड सतेंद्र उर्फ गोविंद पर फायरिंग कर देते हैं। बदमाश गार्ड पर एक के बाद एक 2 गोलियां चलाते हैं और इत्तेफाक से दोनों गोलियां उसके सिर और गले के नजदीक लगती हैं। वो पलक झपकते ही जमीन पर गिर जाता है। जिसको गोली लगी जो आर्म्ड गार्ड है कैश वैन का, उसका नाम है सतेंद्र सिंह। उसकी कंडीशन क्रिटिकल है और उसका इलाज अभी जारी है। अब बाइक से उतरकर एक बदमाश सीधे एटीएम सेंटर की ओर लपकता है जहां रुपए भरने वाली कंपनी एसएमएस के लोग एटीएम में कैश डालने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके बाद बदमाश उन्हें धमकाता हुआ सीधे सेंटर के अंदर पहुंचकर उनके हाथ में मौजूद कैश भरी अटैची छीन लेता है। फायरिंग और बदमाशों के इस हमले से हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। 11:12 अब गोलियों की आवाज सुनकर तमाम लोग एटीएम सेंटर की ओर देखने लगते हैं। उधर एटीएम सेंटर से बमुश्किल 80 मीटर की दूरी पर खड़े 2 पुलिस वालों को भी फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन मौके पर पहुंचते हैं। तब तक लुटेरे अपनी बाइक बढ़ा देते हैं और इससे पहले कि पुलिस वाले उनके करीब पहुंचते वे मलकागंज की ओर तेजी से निकल जाते हैं। पुलिस वाले कुछ दूर तक तो उनका पीछा करते हैं लेकिन बोंटा पार्क के आसपास पहुंचकर वे दोनों पुलिस वालों की आंखों से ओझल हो जाते हैं। 11:15 एटीएम के पास से ही पीसीआर कॉल की जाती है और अगले चंद मिनट पर पीसीआर भी मौके पर पहुंचती है। तब तक पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। हैरान परेशान हर शख्स एक दूसरे से वाकये के बारे में जानना चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर पड़ा है जबकि उसकी गन नीचे पड़ी है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पीसीआर की गाड़ी में ही उसे उठाकर बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के लिए लेकर रवाना हो जाते हैं। 11:20 अब तक मौके पर दूसरी पीसीआर गाड़ियों के साथ साथ रूपनगर, मोरिस नगर और कमला नगर थाने की पुलिस भी आ पहुंचती है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है और पता चलता है कि बदमाशों ने जो अटैची लूटी है उसमें पूरे 1.5 करोड़ रुपए थे। जी हां, 1.5 करोड़ रुपए। अभी पूछताछ चल ही रही होती है कि पुलिस को वो शख्स भी मिलता है जिसने पीसीआर कॉल की थी। उससे अलग से पूछताछ शुरू कर दी जाती है
और इसी बीच एक शख्स सामने आकर पुलिस वालों को बताता है कि उसने बाइक पर बदमाशों को भागते हुए देखा था और उसने बाइक का नंबर भी नोट कर लिया। ये नंबर DL6SAE6919 है। दिल्ली के कमला नगर इलाके में 1.5 करोड़ रुपए की दिन दहाड़े लूट हुई। ऐसे में पुलिस अब तमाम सुरागों के जरिए अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वो सीसीटीवी कैमरा है जो पुलिस के लिए सबसे अहम चश्मदीद गवाह है। इसी सीसीटीवी में बदमाशों की तस्वीरें कैद हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था, और अब इसी सीसीटीवी फुटेज में वो तमाम वारदात सीक्वेंस के तौर पर कैद हो गई है, जिससे पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो अपराधी कौन है। इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये नंबर पुलिस के लिए एक अहम सुराग साबित हो सकता है, या फिर बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक का नंबर भी बदल रखा है? तफ्तीश अभी जारी है और पुलिस को एक और सुराग हाथ लगता है। जी हाँ, एक ऐसा सुराग जो बदमाशों तक पहुंचने की एक बड़ी वजह साबित हो सकती है। आखिर क्या है वो? देश की राजधानी के जिस बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उस बाजार में किसी भी वक्त पांव रखने की जगह नहीं होती। ऐसे में बदमाश आते हैं, गार्ड को गोली मारते हैं और रुपयों से भरा बैग लेकर सरेआम दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। यह अपने आप में बताता है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं और देश की राजधानी की जनता कितनी लाचार। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी और अपने सहयोगी पुनीत के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।